बलौदा बाजार भाटापारा जिला के अंतर्गत विकासखंड कसडौल के क्षेत्र में आने वाला ग्राम पंचायत, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि बरसात का मौसम और अत्यधिक वर्षा होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहा है और बारिश इतनी अत्यधिक मात्रा में हुई जिसके कारण नदी नाले पोखर सब भरे हुए हैं और बरसात के कारण अपने उफान पर आ गए हैं, जिससे कई तरह की परेशानी भी सामने आ रही है। उसी से आज ग्रामीण के मकान के भी गिरने की आशंका बढ़ रही है और आज ग्राम पंचायत कोर्ट में इस तरीके का माहौल देखने को मिला। कुछ किसानों का घर अत्यधिक मात्रा में बारिश होने की वजह से पूरी तरह से गिर गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बलौदा बाजार भाटापारा जिला ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में यह मौसम का असर देखने को मिला और शासन प्रशासन ने पहले से ही लोगों को सावधान कर दिया कि शासन प्रशासन ने पहले से ही लोगों को सावधान कर दिया था कि 48 घंटे की भारी वर्षा होनी है, जिसके तहत क्षेत्रवासी अपने अपने क्षेत्रों में सावधानी बरते हुए थे। लेकिन गरीब किसान क्या करेंगे, ऐसे में तो उनकी मिट्टी का घर टूटना ही था और अत्यधिक बारिश होने के कारण पूरी तरह से घर तबाह हो गया। ग्राम पंचायत कोर्ट के मुखिया शंकर लाल कैवर्त ने अपने ग्राम पंचायत में इस दशा को देखते हुए काफी दुख जताया और उन्होंने तत्काल ही पूरे पंच प्रतिनिधियों के साथ मिलकर पूरे गांव का भ्रमण किया और जितने किसानों के घर पानी के मौसम के कारण ढह चुके हैं उसके लिए उचित व्यवस्था कराने की बात कही और तुरंत ही उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके कारण पटवारी ने वहां आकर बताया कि मैं इसका पंचनामा तैयार करके उच्च अधिकारियों को इसका विवरण दूंगा। ग्राम पंचायत के मुखिया शंकर लाल कैवर्त ने यह भी कहा कि अगर यह मौसम एक दिन और ज़्यादा खराब हो जाता है और भारी बारिश हो जाती है तो हो सकता है कि गांव में अप्रिय घटना भी घट सकती है, लेकिन आज उस तरह से घटना घटने से बाल बाल बचे हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया ने यह भी बताया कि अभी भी ग्राम पंचायत कोर्ट में सीसी रोड का निर्माण कार्य हुआ है और आगे चल के भी होगा और आगे चल भी रहा है। आंगनबाड़ी का सेक्शन अभी तैयार किया जा रहा है, नाली के लिए भी बात चल रही है और आज गौठान के विषय में भी ग्राम पंचायत बैठक करके इस विषय में चर्चा हो रही है, जिससे मवेशी भी सुरक्षित रहें। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ से आर स्टेफन की खास रिपोर्ट।